मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगा पहले। और हमारे यहाँ हमारे ग्रेट अपलाइन बैठे हुए हैं, डॉक्टर सर और उत्तम सर भी है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पर एज ए लीडर है सभी का मैं धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना टाइम लगा के आप अगर मेरे को सुनने के लिए रेडी हो तो मैं ये भाग्यशाली हूँ। सेकेंड, मैं यही बोलना चाहूंगा, मेरा नाम सभी जानते हैं जगदीश भाई थी, कुछ लोग नए लोग हैं, और आसाम से बिलोंग करता हूँ और लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ। नेजे डायरेक्ट सेलिंग का मेरा एक प्रोग्राम था बम्बई के अंदर, मार्च मार्च महीना में। मेरी आवाज आ रही है? ओके हेलो, सब सुन रहे हैं ना? यस यस ओके। तो मैं मार्च महीने में एक प्रोग्राम था मेरा बम्बई में, और वहां पर अचानक लॉकडाउन हो गया, तो जयपुर में प्रोग्राम था जब हमारे मोदी सरकार ने जनता कर्फ्यू दिया था। उसके बाद मैं राजस्थान की एक जगह है पाली, वहां पर मैं हूँ मेरे भैया के घर पर, और मेरी फैमिली आसाम के अंदर है। अभी हम 2 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ यहीं पर है, और बहुत अच्छे से हम वर्क कर रहे हैं और मजा आ रहा है काम करके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और मजा आ रहा है। लॉकडाउन में हमारा बिजनेस और बढ़ गया, लोग नए नए लोग मिले, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। बट कभी कभी क्या होता है लाइफ में, जब आप दूर होते हो आप सोचेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। क्या मेरे पास बहुत सारे ऐसे बातचीत होती है दोस्तों से, बोले सर यार हमारा तो मन ही नहीं लगता घर में बैठा। सोचिए मैं एक अलग जगह हूँ, फिर भी भैया का घर में है, फिर भी तो मेरी फैमिली आसाम में है, तो कितना फर्क पड़ता होगा। लेकिन मुझे कोई महसूस नहीं होता है, क्योंकि मैं करीबन 10 घंटा 12 घंटा से ज्यादा मैं मेरे मोबाइल या लैपटॉप समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, इसके साथ मैं व्यस्त रहता हूँ। ये तो मैं आपको बताया। अब मैं आपको सेकेंड यही बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग आज हम समझने के लिए आए हैं, तो मैं कुछ आप लोग से यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप बातों को समझेंगे। मैं देखता हूँ काफी बार प्रोग्राम होता है, लोग बैठे रहते हैं, कोई खराब मत पाइए मेरी बात, कोई सोते रहता है, कोई कुछ और कर रहा है। अगर आप जूम मीटिंग के अंदर हो और आप मेरी बात समझ रहे हो, आप जिस किसी की भी मीटिंग अटेंड करते हो, चाहे वो 1 घंटा की हो चाहे 2 घंटा, जब आप टाइम देते हो तो उस बंदे को पूरा सुनो, सामने वाले को। ऐसे नहीं कि बस चालू कर दिया, सर ने बोला, सर सर मैं तो मीटिंग में था, और हम बाद में पूछते कोई सवाल या जवाब तो उसका आप जवाब ही नहीं दे पाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं काइंडली सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप चीजों को समझिए, क्या पता सामने वाला एक पॉइंट बोल रहा है वो पॉइंट आपके पास छूट जाए और वो शायद आपकी जिंदगी में बदलाव कर जाए, क्या पता, हो सकता है ना? हाँ या ना? तो आप देखिए, जरा सोचिए, और जवाब मैं जब यस नो करूँ आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हमारे साथ जो हमारे हेल्पर है वो सब देखेंगे कि आपको मेरी बात में सहमत है, तो आप यस लिखिए। कि सोचिए जरा दिल से, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को भी समझ रहे हैं, सारी चीजों को भी समझ रहे हैं, बट अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और आज हम बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। अगर ये चीज आपने समझ ली तो सोचिए कि आप दूसरे को समझा सकेंगे, और जब तक आप ही नहीं समझ पाएंगे तो दूसरों को समझाना बहुत दूर की बात है। हाँ पता है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए, सभी पता है, सभी को पता है, हाँ या ना? सबको पता है, बट क्या करते हैं हम, नए लोगों को बोलने में बहुत सारी चीजें हम समझ नहीं पाते, किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसके साथ क्या व्यवहार बनाना चाहिए। नए आदमी को अभी लॉकडाउन के भीतर आप कैसे काम करोगे, रियली बोल रहा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिकल काम करने का जो मैंने जो महसूस करता हूँ वो चीज आपसे आप शेयर करूंगा। आज मैं कोई दूसरी चीजें शेयर नहीं करूंगा, मैं जो फैक्ट फैक्ट की बात करता हूँ, मैं रियलिटी की बात करता हूँ, मैं बात करूंगा जो चीज हम मार्केट के अंदर जाते हैं बात करते हैं कितना कुछ करना पड़ता है, तो उस पर बात करेंगे। आप ऐसे क्या क्या करते हो उसको समझने की कोशिश करिए, आपको डिस्कस करने की कोशिश करिए, आप अपलाइन से हर दिन फोन करने की कोशिश करिए। मैं बहुत सारे जन देखता हूँ अपलाइन फोन करता है, बट आप लोग शायद उनसे कनेक्ट नहीं हो या फोन नहीं होता है। मैं हफ्ते में कम से कम, नहीं भी हो तो 15 से 20 बार पलाश सर से हमारी बात हो जाती है, नहीं भी हो तो ध्रुव ज्योति सर से बात हो जाती है, दिगंत काकोदी सर से हो जाती है। क्या क्या इस हिसाब से आप करते हो, अब जरा सोचिए, इस हिसाब से आप करते हो? नहीं करते हो, नहीं करते हो, मैं आपको दिल से बोलता हूँ, मुश्किल से 10-15 जन करते होंगे। आप अपने आप से सवाल करिए, क्या मैं ऐसे करता हूँ? आप जब अपने आप से सवाल करेंगे ना यहाँ से, तो आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है ना। मैं मेरी टीम की बात करता हूँ, मैं हर मेरी टीम के हर लीडर को मैं फोन करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ सर आप भी तो कभी कर लिया करो, क्यों
क्योंकि अगर आप सीखोगे तो आप अपने टीम में भी करोगे, नो डाउट। ये बिजनेस क्या है, सीखने और सिखाने का है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और डायरेक्ट सेलिंग मैं आज आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग मेरा फ्यूचर है। मैं मर भी जाऊं तभी मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं छोड़ूंगा, ये गारंटी, चाहे कुछ भी हो। एक कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ये हमारे क्या नाम है सर का, मैं भूल चुका हूँ नाम, ये नाम मेरे मुंह में आ रहा है, बट पढ़ा था ये डॉक्टर, अरे नाम मेरे मुंह में आ रहा, उसमें लिखा हुआ था, एक चीज लिखा हुआ था, मेरे नाम अभी याद नहीं आ रहा, मैं बताऊं। बड़ा बिजनेस .com जो चलाते हैं, आप नाम समझे, वहां पर लिखा था कि वो अपने बेटे को डायरेक्ट सेलिंग करवाना चाहता है। अगर उससे अगर अगले उस वो बोला कि अगर मुझे इंडस्ट्री के अंदर मेरे बेटे को अगर काम मिले तो मैं डायरेक्ट सेलिंग करवाना चाहूंगा, ना चाहते भी करो। विवेक बंद्रा, वेरी गुड, थैंक यू सर, मेरा नाम मुंह में था। तो सोचिए क्या क्या बात बोल रहा है, आप सोचिए जरा, इस बात को सोचिए। और उस उन्होंने एक बात और बहुत बड़ी बात बोली कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाओ किसी कारण से, पैसे ना आए, फिर भी एक बार कर लेना। सोचिए जरा ऐसा क्या है इसके अंदर, सोचिए कि कोई कारण से आप किसी कंपनी में सक्सेस नहीं हुए, कोई कारण से पैसा नहीं आया, फिर भी एक बार डायरेक्ट सेलिंग कर लेना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर एक मतलब अलग तरह का आदमी आप पैदा हो जाओगे। आप समझने की कोशिश करिए, लोगों से बात करना है, लोगों से व्यवहार, लोगों के साथ मिलना। आज यहाँ पर बैठे हुए मैं बहुत सारे जनों को नहीं जानता। कल मेरे एक बात हो रही थी उत्तराखंड मैम से, एक मैम है, करीबन 7-8 महीने से बात हो रही है, ऐसे फ्रेंड सर्कल है, कोई भी जान पहचान नहीं है, लेकिन कल इस लॉकडाउन के अंदर इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा बहन के जैसा रिलेशन सोच नहीं सकता हूं मैं। अमेजिंग करना भी बहुत बड़ी बात है, ऐसे व्यवहार है हमारे, ऐसे रिलेशन है। ये सोचिए आप, क्या ये इंडस्ट्री क्या चीज देती है। बट यहाँ करना क्या, सिर्फ आपको होठ हिलाने हैं। अगर आपने होठ हिलाना सीख लिया तो आप कर सकेंगे, ऐसा ये इंडस्ट्री है। और रियली बोल रहा हूँ, रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना चाहता हूँ तो रिलेशन पहले बनाइए। जरूरी नहीं है वो आपकी कंपनी में आएगा, बट अगर आपने उसके साथ अच्छा रिलेशन बना लिया, एक मजबूत रिलेशन बना लिया, क्या पता कब क्या हो। कभी किसी को कुछ नहीं पता है, ये आप सोचिए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपके बिजनेस नहीं हुआ, बट उस गांव में जब आप जाएंगे और उस गांव में जाने के बाद जब वो बंदा आपको मिलेगा, खुदा ना खास्ता आपका कुछ हुआ, आपको घर ले जाके सेफ्टी करेगा। ये है डायरेक्ट सेलिंग। आप सोचिए जरा, अगर हम दूसरी फील्ड में रहते हैं तो क्या ऐसे हो सकता है। मैं ट्रेडिशनल मार्केट से निकला हुआ बंदा हूं, 17 साल मैंने मेरा खुद का बिजनेस किया है, करीबन 15 से 20 मेरे स्टाफ थे। सोचिए जरा, आज वहां पर भी हम बड़ी बड़ी जगह कंपनियों से माल खरीदते थे, माल का पोसिंग कैसे होता था, फिर भी माल बेचते थे, ठीक है उतना तक ठीक था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अनजान जगह, जान पहचान नहीं है, बातचीत हुआ, फ्रेंड सर्कल हुआ, आप अपनी कंपनी करो, वो अपनी कंपनी कर रहा है, एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, और क्या किस जगह क्या हो सकता है, सोचिए जरा। अभी मैं आपको बोलूं, मेरे ऐसी जगह है जहां मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे साथ कोई बिजनेस नहीं हुआ, बट मैं जाके अगर खड़ा हो जाऊं तो मुझे वो इतना प्यार, इतना सम्मान करेंगे जितना शायद मुझे किसी बिजनेस के अंदर नहीं मिलता। एज ए डायरेक्ट सेलिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। रियली बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को ये लगता है बिजनेस बहुत मेहनती है, कुछ लोगों तो बोलता है ये बिजनेस बहुत अजब सा है, हमसे नहीं होता है। आपके फील्ड में भी ऐसा बोलता होगा, मेरे घर परिवार रिलेशन में भी ऐसी बातें आती है, मैं भी मानता हूँ। बट जब तक इस क्लास के अंदर आप एडमिशन नहीं लेंगे, तब तक आपको इसका मजा नहीं मिलेगा। ये एक बिजनेस है सीखने और सिखाने का। एज ए अगर बोला जाए ना साफ अक्षरों में, डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है। जैसे स्कूल में 1 से 10 तक पढ़ना है, 10 के बाद मैट्रिक के बाद आपको हाई सेकेंडरी में जाना है, ग्रेजुएशन करना है, डिग्री लेना है और नौकरी करना है। अगर उतना टाइम यहाँ लगता है, उसका 10% आप यहाँ लगा दीजिए। कितना परसेंट? 10। उस काम को करने में लगता है करीबन, मुझे जितना आइडिया है, करीबन 15 से 20 साल। यस एंड नो? अगर यस है तो यस लिख दीजिए। उस काम को करने में सोचिए, 1 क्लास से 10 तो मैट्रिक में, उसके बाद और 5, 7, 8 साल, यानी कि 20 साल, आप जिंदगी के 20 साल पढ़ाई करते हो, अच्छी बात है। उसके बाद आप नौकरी ढूंढते हो। यहाँ पर आप बोल रहे हो सर 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, कुछ आया नहीं सर, बिल्कुल कुछ नहीं आया।
सर मुझे 2 साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, बट कुछ मैंने 2-4 कंपनियां की बट कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने भी आते हैं, उसका जवाब आपको क्या देना है इसको मानना पड़ेगा कि आप उसको क्या शिक्षा देते हो, क्या ज्ञान देते हो। आपको उसको प्रैक्टिकल बातें करनी पड़ेगी, सर आपने 2 साल क्या किया। बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करके छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग काम को काम के हिसाब से नहीं करते हैं, सोचते हैं जैसे असम के अंदर एक बहुत अच्छा वर्ड आता है मुझे याद, मैं असामी से बोलता हूँ, तुम ही हुमाई जाओ मैं तो हुमालू आज एक माह आगत बहुत भाल मोर हाल होए नहीं कि ओ ठीक है सब बार हुमाई जाओ, और उसको बोल के कन्वर्स करके वो ज्वाइन करवा देता, मतलब हुमाई जाओ 2-4 महीना बाद में न तो सामने वाला का होता है न खुद का होता है, क्यों हॉल एक हुआना है ज्वाइन कर लो तो ऐसा करके 10 लड़के को ज्वाइन करवा दिए 5-7-10 को, और न सामने वालों को सिखाया कि बिजनेस कैसे करना है, शुरुआत में क्या करना है, सेकंड पोजिशन में क्या करना है, कुछ नहीं बताते हैं। और फिर 5-7-10 लड़के जो 4-6 महीना करते हैं उसके बाद वो लड़के उसका फोन उठाना बंद कर देते हैं, कुछ लोग ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, कुछ लोग तो मतलब उनको दूर से बोलता है कुछ कोठा ही नहीं पाती बात तुम्हें मोर पैसा लगाई दिला, अरे वो प्रोडक्ट लिया पैसा पैसा कहाँ से लग गया भाई, और उसको समझाता नहीं है, और उसके सीनियर जो उसको ज्वाइन किया वो लोग भी नहीं सिखाते हैं। ऐसे अपलाइन जो होते हैं वो किसी किसी का अपलाइन वो भी उसको अच्छे से नहीं सिखाते हैं। तो आप या तो आप समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो कि करना है क्या है। सर बताइए 1-to-1 जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, आप जैसा बोलेंगे, क्योंकि आपका एक्टिव अपलाइन एक अच्छा अपलाइन आपको कभी गलत बोल ही नहीं सकता, ये आप ब्लैंक पेपर में लिख लीजिएगा। और अगर इस मैं और मैं एक बात आपको बताता हूं, सब आदमी बच्चा नहीं बनते। बच्चा बनने का मतलब क्या, बचपन में जब आप स्कूल जाते हो 1 क्लास के अंदर, आपको मम्मी जबरदस्ती भेज देती है, आपका मन करता नहीं है अच्छे जाने का, थोड़ा सा आप 1 क्लास में 1 साल पढ़ते हो उसके बाद थोड़ा मन करता है, 2-3 के अंदर आप 2-3 क्लास के अंदर आपके फ्रेंड बन जाते हैं तो आपका मन करता है हाँ या ना, करता है मुझे जितना पता है। जब और 4-5-6-7-8-9 क्लास में जाते हैं तो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, तब स्कूल के बाद उनके साथ फ्रेंड के साथ खेलते हैं सेकेंड टाइम, फिर फोन में बात होती है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तो आपका मन किया था नहीं किया था, आपने क्या किया, बच्चे बन के पढ़ाई किया। अब यहाँ पर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग बच्चा बनना नहीं चाहते। आप अगर सारी चीजों को भूल के एक अच्छे सिस्टम के आधार पर और एक अच्छे गाइडलाइन यानी कि अच्छे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि एक्टिव अपलाइन के साथ आप जो बोलते हैं उस बातों को आप अगर मानते हो एकदम प्रैक्टिकल, और आज तो यूट्यूब पढ़ा है आपके पास, किताब बहुत सारी पढ़ सकते हो, तो आप उससे जानकारी लेके और सिस्टम को फॉलो करते हुए जाएंगे तो 100% सक्सेस होंगे। समझने की कोशिश करिए। बट क्या करते हैं, हम अपना दिमाग लगा लेते कि हमारे सीनियर ने ये बोला, थोड़ा हम अपना इसमें मसाला डाल देते, क्योंकि हम बड़े हैं, हम बच्चे नहीं है, हम अपने आप को बच्चा समझते ही नहीं है। इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहले हमें बच्चा बनना पड़ेगा। हाँ, हमारा एक प्रोग्राम होता था वेस्टिज के अंदर जिसका नाम था ट्रेन द ट्रेनी, वहां पर मैंने ये वर्ड सीखे। करीबन मैं जब स्टार क्वालिफाई हुआ तो हमारे एक ट्रेनिंग लेते थे सर, और वहां पर ये, और मैं आज भी ये ट्रेनिंग अपने टीम को अंदर देता हूँ। बहुत सारे उसमें रूल है, करीबन अलग अलग रूल है, कभी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसमें से एक रूल मैंने ये निकाला बच्चे का, अलग अलग 10 टाइप के रूल है, समझने की कोशिश करिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सबसे पहले लास्ट तक बने रहिएगा। डायरेक्ट सेलिंग की मैं एक छोटी मोटी फाइल खोलूंगा, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है समझने की कोशिश करिएगा, और आपसे विनती आप मेरी बातों को समझिएगा। थैंक यू सो मच वन द स्टार्ट। थैंक यू जगदीश जी, बहुत अच्छा है, एवरीबॉडी इज सेइंग ऑल द पॉइंट्स, यस एंड यस, वेरी गुड सेशन, सो स्टार्ट इट। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है, हाउ नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करें हम नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले ये सवाल आपके माइंड से हटा लीजिए, क्यों करें, इस सवाल का जवाब अपने आप से ढूंढिए कि हम क्यों करें, हटाना नहीं है, क्यों करना है, क्यों हम नेटवर्क मार्केटिंग करें, इसको आप कूट कूट के भर लीजिए अपने माइंड के अंदर। तब क्या होगा, किसी को बोलने के लिए आसान होगा। मैं इस फाइल के आधार पर बात करूंगा लेकिन प्रैक्टिकल बातें करूंगा। अगर आपने इसको अच्छे से समझ ली क्यों करें, आपका क्लियर हो गया, आप दूसरे को क्लियर आराम से करवा सकते हैं। बट ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे वाला स्लेब आप जा नहीं सकते। क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद आ रहा है हाउ टू मेक मनी। सोचिए जरा, पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, पैसे कैसे कमाए, ये 2 सवाल सबसे पहले।
पैसा कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना, बट कैसे कैसे होगा ये पॉसिबल? ये पॉसिबल जब होगा जब आप इस चीज को सीख लेंगे और वाकायदा आप सीखने के बाद करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे, बट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आपको एक कंपनी खोलनी है समझ लीजिए कुछ भी, तो यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है सीईओ, डायरेक्टर, वीआईसी, प्रेसिडेंट, मैनेजर, इमरालैंड एंड जॉब्स। मतलब आपको एक कंपनी में जॉब दिया जाएगा, समझ लीजिए ऊपर की पोजीशन में सीईओ रहेंगे, बाकी डायरेक्टर, बाकी नीचे लोग रहेंगे। प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश करें, यानी कि आप एक कंपनी में चला रहे हो, एक सीईओ, बाकी सिर्फ नीचे डायरेक्टर, इस टाइप से कंपनी होती है। यहाँ सेकेंड आपको एक साइड में और दिख रहा है सेल पीपल, यानी कि कंपनी, मेगा स्टॉकेज, स्टॉकेज डिस्ट्रीब्यूटर, एरिया सेल्स मैनेजर, एडिटेलर, ये होती है कंपनी। कंपनी में एक पद होता है, पद के हिसाब से एक कंपनी स्टार्ट होती है और अलग अलग इसमें नाम दिए गए। बिजनेस, अब आता है हमारा पार्ट बिजनेस, कि बिजनेस को किस तरह से करना है और जो लोग बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं और बिजनेस के लिए क्या क्या है। अंबानी ग्रुप, आदित्य बिरला, भारत एंटरप्रेन्योर बिरला, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं और उनकी टेक्निक अलग है बिजनेस करने की, बिल्कुल अलग है। और वही टेक्निक, उनके पास पैसा था, उनके पास बड़े सपने थे, उनके पास समझ लीजिए अत्यधिक ज्यादा पैसा था, तो उन्होंने बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और कंपनी खड़ी करके आज वो अनलिमिटेड इनकम कर रहे हैं। क्या आम आदमी, हम और आप इस काम को कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं इस एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एक बाटा, यहाँ पर बाटा आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप की बहुत सारी कंपनी, हम बाटा पर एक उदाहरण करेंगे कि बाटा ने एक कंपनी स्टार्ट की अपने नाम से और उसने अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को फ्रेंचाइजी दे दी, जिसमें जैसे कि इसमें नाम लिखे कमल, शिव, प्रिया, सावित्री। इसमें दो समझ लीजिए, कमल आप है, आपको एक एजेंसी दे दी और आप काम, आपको अलग जगह आपको एजेंसी दे दी, वहां पर आप काम करने लग गए, आपको एक एजेंसी बांट दी, समझ लीजिए। इस टाइप से बाटा एक कंपनी खोली और एजेंसी के हिसाब से आपको काम कर रही है जगह जगह। आज अगर बाटा, मान लेते हैं कि बाटा अगर काम नहीं करता है और तब भी उसका घर चलेगा, क्योंकि उन्होंने एजेंसियां बांटने का काम किया। अब उनका यह नीचे दिखाया 10,000 × 10, 1,00,000 खर्च, मतलब अगर वो 10,000 आदमी को इस टाइप से काम करता है, वो 10 घंटे काम होता है, तो 1,00,000 घंटा काम होता है, तो उसका मल्टीपल उसके पास पैसा आता है। अगर उसमें से समझ लीजिए कि 500 आदमी कोई कारण से काम नहीं कर रहे, किसी कारण से, तब भी उसके पास पैसा आएगा, हाँ या ना? आएगा, क्योंकि बाकी 9,500 आदमी तो काम कर रहे हैं 10 घंटा, तो उसके पास पैसा आएगा। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, यानी कि टाइम को उन्होंने मल्टीपल कर दिया, टाइम, मनी, सिक्योरिटी। बहुत सारे लोगों को आपको देखने में मिलता है कि सर काम बहुत है, टाइम नहीं है। जिसके पास टाइम नहीं है, क्या उसके पास मनी है अवेलेबल? क्या उसके पास सिक्योरिटी है? 21वीं सेंचुरी का बिजनेस, 21वीं यानी कि 21वीं सदी का बिजनेस क्या है? फिर हमने यहाँ एक दिखाया आपको बाटा, और बाटा ने अभी 21वीं सेंचुरी के हिसाब से, वो उनको पता था, उनको जब उन्होंने स्टार्ट किया उनको पता था कि आने वाली सिचुएशन क्या होगी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, उनको पता है कि आने वाली सिचुएशन क्या होनी। इन्होंने 21वीं सेंचुरी के हिसाब से, मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पर। मान लेते हैं कि बाटा जो कंपनी है वो राजीव जी बोल के कहे, उनको क्या फ्रेंचाइजी देंगे? भाई कि भाई बाटा के जैसे वो जब फ्रेंचाइजी बांट सकते हैं, अलग अलग एजेंसियां दे सकते हैं, तो क्या वहां से एक आदमी निकल के बोलेगा मुझे, मैं भी आपकी एजेंसी बांट सकता हूँ? उनको पावर देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल पावर नहीं देंगे। वो बोलेगा मेरा हक है, मैं ही एजेंसी बांटूंगा, आपको हक नहीं है, आपको मेरी एजेंसी आप ले सकते हो। इसके जितनी भी बागडोर है इसके हाथ में, पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। मैं जिस पॉइंट में आपको लेके जा रहा हूँ वहां समझने की कोशिश करिए कि ये बाटा के हाथ में ही एजेंसी देने का पावर है। बाटा एजेंसी किसी और को दे सकती है, बट वो जिसको एजेंसी दे रहा है वो आगे एजेंसी दे सकता है दूसरे को? नहीं दे सकता, हाँ या ना? अब मैसेज में लिखिए, तो नहीं दे सकता एजेंसी, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। पावर किसके पास है? बाटा के पास है, तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद यहाँ पर टाइम मल्टीपल 10×10,000 घंटे का काम हो रहा है। इसको बोला जाता है एक हिसाब से, अगर आप इसको समझेंगे, सिंगल लेवल मार्केटिंग। इसको बोला जाता है सिंगल लेवल मार्केटिंग को मैं और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाता हूँ। इसमें जैसे कि एक आदमी आपको एक बड़ी सारी कंपनी खोलता है, और कंपनी की जैसे कि आज फॉर एग्जाम्पल पतंजलि,
पतंजलि ने क्या किया, अलग अलग एजेंसियां दिया, लेकिन पतंजलि की जैसे एजेंसियां बांट रही है, आप जाके बोलो सर आप मुझे अथॉरिटी दे दो, मैं भी असम के अंदर सारी एजेंसियां मैं बांटूंगा, आपको नहीं देंगे, उसी को बोला जाता है सिंगल लेवल मार्केटिंग। आप सिंगल लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगल लेवल मार्केटिंग हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं। मल्टी लेवल और सिंगल लेवल को समझने की बहुत ज्यादा दरकार है, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप सिंगल लेवल मार्केटिंग समझ जाएंगे तो मल्टी लेवल मार्केटिंग भी आप समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा। हम क्या कर रहे हैं मल्टी लेवल, हम जितनी चाहे एजेंसी बांट सकते हैं, हम जितने चाहे डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, एजेंसी सिस्टम फ्रांचाइजी, यहाँ पर लिखा हुआ है यह मल्टी लेवल मार्केटिंग। हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर है, हम चाहे जितनी एजेंसी खोल सकते हैं, चाहे जितनी एजेंसी खोल के हमारे नीचे और एजेंसी खोल सकती है, चाहे हम जितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, हम ऑल इंडिया को लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, हम कहीं पर आपके घर में बैठ के आप बड़ा काम कर सकते हो। ये चीज को समझने की कोशिश करिए। जब आप शुरुआत में किसी को जोड़ते हो, ध्यान से समझिएगा, और उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद उसको आप पूरी चीज समझाते ही नहीं हो, उसको अगर आप बिजनेस की बातें भी समझाते हो, फिर भी अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, प्रोडक्ट यूज कर रहा है, और अगर उसके गुवाहाटी के मैम एक जुड़ी है और उसकी दिल्ली में एक मैम है, समझ लीजिए उनकी ओन सिस्टर है, और उनको वो चीज पता ही नहीं है कि मैं अपनी सिस्टर को इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बना के सिस्टम जो घर का सामान ले रही है सिस्टर, उनको मैं दिला सकती हूँ ये अथॉरिटी, ये मुझे मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद ये अथॉरिटी मुझे मिल चुकी है, यानी कि मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, ये चीज उसके माइंड में डालना है। बहुत सारे लोगों को ये माइंड में नहीं, वो सोचता है यार ये दो लोग जोड़ने का काम है, मुझसे तो नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं क्या होता है, वो सिस्टर के बगल में कोई नेटवर्क करता होता है और उसको जोड़ देता है, कुछ दिन बाद में आपको मिलता होगा, मतलब जान पहचान होती है, सिस्टर से बातचीत होती है, क्या उसने कभी बताया नहीं, हाँ मैंने भी जुड़ा है ना, मेरे घर के बगल में था, उसने मुझे कंपनी में जोड़ दिया, प्रोडक्ट दिया, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, क्योंकि हम उनको वो चीज सिखाते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, मैडम को परचेज करने बोलते हैं, फिर ठीक है घर में प्रोडक्ट रखने, अगर मान लेते हैं कि वो लेडीज घर में प्रोडक्ट नहीं रखती है, फिर भी आप उनसे चाहो तो उनसे काम करवा सकते हो। एक टेक्निक, अगर वो मैम हर महीने 2 से 3 हजार का प्रोडक्ट यूज करती है, और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद अगर उसको मैम को बोलेंगे मैम आप एक काम करिए, ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप एक लिस्ट बनाइए अपने फ्रेंड्स, अगर चलिए मान लेते लिस्ट भी नहीं बनाती, वो बोलते मेरे पास टाइम नहीं, तो मैम आप 3-4 फ्रेंड सर्कल या आपके रिलेशन में बोल सकते हैं कि मैंने एक इस टाइप की दुकान में डिस्ट्रीब्यूटर बनी हूं, जो मैं अल्टीमेट तुम जहां से सामान लेती हो, तुम जिस एरिया से लेती हो, अगर मेरी दुकान उस एरिया में भी खुली हुई है, तुम जहां से लेती हो, तो मैं उस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर ऑल इंडिया की बन गई हूं। आप बातों को इस हिसाब से बोलो, आपकी बोलने की कला बिल्कुल अलग होने की, मैं ऑल इंडिया की डिस्ट्रीब्यूटर बन चुकी हूँ घर का सामान लेके। अरे यार तुम घर का सामान लेके बोल रहे, हाँ बोले मुझे ये अथॉरिटी भी मिला कि मैं दूसरों को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, क्या तुम ये सामान यूज करोगी, और मैं इस कंपनी इस प्रोडक्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटर बनी हूँ, एज ए पार्टनर हूँ इस कंपनी के, आप लोग सभी पार्टनर हो, इसीलिए आपको बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग में ही पैसा मिलता है, यस एंड नो, आपकी कंपनी के टर्नओवर जितना बढ़ेगा उतना आपको पैसा मिलेगा, यस एंड नो, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, हाँ या ना सर, क्या सर बताइए, 100% ओके सर, थैंक यू। तो सोचिए अगर आप उस मैम को जो आपके बाहर है, और हर आदमी के लाइफ में 30-40-50 घर के रिलेशन ही है, बट क्या करते हैं उनको हम अलग तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके का बात आप करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते हो, अदर तरीके से करते हो। मैं यहाँ पर कंपनी जो हुमाई सिलू, और तुम ही हुमाओ पारेबा, और मीटिंग हमारे जुम्मत मीटिंग हो, तुम्हें मीटिंग अटेंड करा, अरे भाई अभी उसको जूम के बारे में पता नहीं है, और आप जूम में बार बार, अरे भाई उसको यूजर तो बनाओ पहले, अपनी स्कूल में एडमिशन तो कराओ, सोचने की बात है, आप सोचिए जरा, बट क्या करते हैं हम कुछ और करते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब समझिए सर, मल्टी लेवल, आप कहीं भी काम कर सकते हो, आप किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, इस पॉइंट को प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करिए। आप अगर उसको समझ गए तो यहां से आपको सफलता का एक रहस्य, सक्सेस की एक चाबी है, सक्सेस की एक चाबी खुल जाती है, उतना अगर आप समझ गए, मैं मानता हूं आप लोग समझे, और नहीं भी समझे आप मुझे कॉल करिए या आपके अपलाइन से आप बात करिए कि
कि हमें सर शुरुआत के पॉइंट कुछ समझे नहीं, मैं प्रैक्टिकल बातें की, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, मैंने जो हकीकत है जो मैंने रियलाइज किया, मैंने देखा, मैंने सीखा, मैंने समझा, वही मैं आपके सामने अप्लाई कर रहा हूँ। सफलता का एक रहस्य, आखिर हम कैसे और क्या करें, यहाँ पर एक सवाल आता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग हम आखिर हम कैसे और क्या करें। शुरुआत में ठीक कि हमें मल्टी लेवल मार्केटिंग करना है, समझ में आ गया, हम सिंगल लेवल मार्केटिंग नहीं करना चाहते और न हम कर सकते हैं, वो बाटा बाटा बन चुका है, अब हमें बाटा बनना है, हमें धीरूभाई अंबानी बनना है, हमें जियो सिम के मालिक जैसा बनना है, हमें रिलायंस के जैसे कंपनी के मालिक जैसा बनना है, हमें बड़े लोगों के जैसे पैसा कमाना है, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग मल्टी लेवल के साथ कैसे काम करें, आखिर हम कैसे करें और क्या करें। छोटे से पॉइंट है, एकदम छोटा पॉइंट है, और समझने की कोशिश करिएगा। हर दिन बहुत सिंपल और सरल भाषा से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हमसे नहीं होता है, इतना लोगों को इम्प्रेस करना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है, इतना सीखना पड़ता है, इतना यूट्यूब में वीडियो देखना पड़ता है, इतना किताब पढ़ना पड़ता है। तो भाई अगर सक्सेस होना है तो आप बचपन में भी स्कूल में काम किया है, छोटा मोटा काम ये भी करना है, बट इसको और सिंपल कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो कि मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत में मत पढ़िए। आप चाहते हो मैं यूट्यूब में वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं देखूंगा, चलिए मत देखिए। फिर भी हर दिन हर व्यक्ति सिर्फ दो काम कर सकता है, कर सकते हैं तो हाँ लिखिए। मैं जो बातें समझाने की कोशिश, मैं कुछ बातें आपको अलग तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बोलेंगे YouTube में वीडियो, क्योंकि हमें किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बचपन में हम जब स्कूल के किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, तो YouTube में क्या होता है, कोई आदमी समझाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। आपको बोलेंगे किताब पढ़ने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की, अब किताब पढ़ेंगे इतने बड़े, ना ना ना, आपको फिल्म, ये देखिए हमारी एक मतलब माइंड के अंदर रहता है, अगर हम फिल्म देखना हम पसंद करते हैं, हम दूसरा ये गप्पे मारना हम पसंद करते हैं, किसी की बात कभी कुछ किसी टावर में कुछ हो गया तो हम पसंद करते हैं, न्यूज हम बहुत ज्यादा देखने की पसंद करते हैं, बट हम बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने का काम है तो बहुत आदमी लोग नहीं करते हैं। चलिए मत करिए एक बार के लिए, जो नए लोग हैं, जिसको आप नए लोगों को जोड़ना, मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ, एटेचमेंट, आप नए लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से आप उसके साथ व्यवहार करिए, अलग तरीके से टेक्निक लगाइए, अलग तरीके से उसके साथ काम करिए। आप ज्यादा हार्ड काम उसको करने बोले शुरुआत में नहीं करेगा बंदा। हर दिन हर व्यक्ति दो काम करना है, सिंपल काम, ये काम के पहले उसके माइंड में समझाना है उसको, उसको खर्च, हर आदमी खर्च करता है कि नहीं, आप नहाते हो, आप साबुन लगाते हो, नहाते समय साबुन लगाते हो, खाना खाते हो मैं तेल यूज करते हो, मतलब आप लाइफ स्टाइल के अंदर खर्चा करता हो, एक्सप्रेशन जिसको बोले खर्चा, आप खर्चा करते हो। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट, निवेश, आप अब बताइए खर्चे से इनकम या इन्वेस्टमेंट से इनकम मिलेगा। आप बोलेगा सर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम मिलेगा, खर्चे से थोड़ी इनकम मिलेगा, नए लोग बोलेंगे खर्चे से इनकम थोड़ी मिलेगा। यदि आपके खर्चे से इन्वेस्टमेंट में बदल जाए तो कैसा रहेगा, समझने की कोशिश करिए। आप किसी बंदे को आप बोल रहे हो कि सर खर्चा आपका होता है, बोला हाँ, इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा आएगा, आप उसको बोलोगे सर खर्चे से इनकम करना, अगर सर आपका जो खर्चा हो रहा है वो अगर मैं इन्वेस्टमेंट में बदल दूं तो कैसा रहेगा, तो बोलेगा बिल्कुल अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर एक कॉइंस रखा हुआ है, एकदम नीचे में सिंपल कॉइंस रखा, उसके बाद ऊपर 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 आप 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 फिर डब्बा भर्ती हो गया। इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिए, शुरुआत में यहाँ पर खुचरे पैसे आएंगे, उसके बाद थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। ये जो आपको 1 2 3 4 लाइन दिख रही है, 1 2 3 4, ये है आपका लर्निंग शेप है, यानी कि सीखने की कला है, ये मैं मानता हूँ, आप मानते हो तो आप यस लिखिए। ये जो कला है ना यहाँ पर देखिएगा, ये छोटे ये सीखने की कला, इसको पैसा, खुचरा पैसा क्या, कुछ नहीं। इस पीरियड में आपको 6 महीना भी लगते हैं, साल भर भी लगते हैं, मिनिमम 1 साल से 6 महीना लग सकते हैं, और अभी के टाइम में मैं बोलता हूँ 3 महीना लगते हैं, क्योंकि अभी बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है। हम जब 2017 के अंदर जुड़े तो एक साल लगता था, अभी फास्ट ग्रोथ हो रही है, अभी टेक्निक चेंज हो गई, अब लोग समझने लग गए नेटवर्क मार्केटिंग को। आप 4 जन को बोलोगे 10 जन को बोलेंगे हाँ पता है, तो अब फर्स्ट ग्रोथ हो रही है। फिर भी मैं मानता हूं कि 6 महीना आप यहाँ पर एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हो, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, आपका अपलाइन ने बोला आपको बच्चा बनना है, आपको उसकी बातों को समझना है, और आपको ये जो 1 2 3 लाइन जो पैसे की दिख रही है
उसको समझिए, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट यहाँ दिया गया। फिर आप, ये तो आपका लर्निंग फेज है, जैसे ही पांचवा पॉइंट आएगा थोड़ा सा आपका ग्रो ऊपर जाएगा, यानी कि पैसे आपके अकाउंट में आने लग जाएंगे, मतलब आपने कुछ सीखा, अब आप क्या कर रहे हो, लर्निंग अर्निंग कर रहे हो, सॉरी, यानी कि पैसा आ रहा है, सिंपल। लेकिन सीखने की कला कभी बंद नहीं होगी, ये मान के चलिएगा। जैसे पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, सीखना कभी बंद नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग चाहे कितने भी आप पैसे वाले बन जाओ, फिर भी आपको सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। और हर समय किसी अच्छे आदमी या आपके जो सीनियर है या आपके कोई अच्छा आदमी आपको समझाता है, उसकी बातों को सुनने की हिम्मत रखो। मैं हर आदमी से सीखता हूँ। और मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, कभी कभी हम डाउनलाइन, यानी कि हमारे जो पार्टनर है, मैं डाउनलाइन वर्ड बोला बट मैं डाउनलाइन ज्यादा नहीं बोलता हूँ, पार्टनर यानी कि हमारे टीम के जो लीडर, यानी कि हमारे टीम के जो हमारे पार्टनर है, हमारे जो बच्चे हैं, आप अगर सीनियर हो तो आपके बच्चे हैं, अगर बच्चों से भी हमें कभी कभी सीखने को मौका मिलता है, इसको भी आप मान लीजिए। बहुत सारे सोचते हैं, अरे मेरे टीम का और डाउनलाइन है, मैं वो मुझे क्या सिखाएगा, ऐसा कभी मत सोचिए। मान के चलिए कि उसके भी कुछ पॉइंट आपको काम आ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या करते हैं, हम माइंड के अंदर ऐसा सोचते ही नहीं। सोचिए जरा, हर आदमी से सीखने को मिलता है, अगर आपका अच्छा डाउनलाइन है और पढ़ा लिखा है। आपको पता होगा एमडी मोहित खान, आपने वेस्टिज के अंदर नाम सुना होगा एमडी मोहित खान। मैं आपको बताना चाहूंगा उसकी पढ़ाई कितने साल की हुई है, किसी को पता है लिखिएगा, मैं बताता हूं, वो स्कूल ही नहीं गया। एमडी मोहित खान 3 क्लास तक बोले पढ़ाई किया, मुश्किल से स्कूल ही नहीं गया, सुनने में आए। और हकीकत है, आप यूट्यूब में वीडियो मार के देख लीजिएगा, आज उसकी इनकम है 6 लाख रुपया वेस्टिज के अंदर। अभी कितना पता नहीं, मैं जब छोड़ा तो करीबन 6 लाख रुपया था, और मुझे उसका पूरा, जब से ज्वाइन है तब से उसका डाटा है मेरे पास। अभी कितना है, अभी तो ऑलरेडी हमारा बिजनेस 21वीं सदी का है और वेस्टिज का बिजनेस 19वीं सदी 17वीं सदी का है, तो नो डाउट चेक गिरा होगा। मैं उस बात को छोड़िए, पॉइंट समझने की कोशिश करिए, बंदा कभी स्कूल नहीं गया फिर भी लाखों रुपए की इनकम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे लीडर है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसने क्या किया, उसने बोला कि मुझे अपलाइन ने बोला कि ये काम करना है, मैं आधी रात को तैयार हो गया, मैंने न इधर देखा न उधर देखा, अपलाइन ने बोला इस लाइन में चलना है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल चलना है, आपका चेक इतना बन जाएगा। बोले मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और कभी गाड़ी को ब्रेक से घुराया नहीं, अपलाइन ने बोला इस रास्ते में चलना है। कभी कभी अपलाइन की बातें मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी, फिर भी मैं जाता रहा, आज मेरा सक्सेस का राज है। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ, यूट्यूब में जाइए सर्च करिए और उनका वीडियो देखिए। इसी टाइप से एक अंसारी बोल के हमारे भाई साहब है वेस्टिज के अंदर, अंधे है, आंख से अंधे है, कभी दिखाई नहीं देता है, उनका भी वीडियो बना हुआ है, करीबन 1.5 लाख का चेक है, आंख से अंधे है। ये सारी हकीकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, आप समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि नए लोगों के यहाँ पर इस पॉइंट को समझिए, इन्वेस्टमेंट बदल जाएगा तो कैसा रहेगा, तो उसको बोलना सर इन्वेस्टमेंट बदल जाए कैसा रहेगा, वो नो डाउट बोलेगा अच्छा रहेगा, आपको यही बोलेगा। मैं वापस आपको इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, यदि खर्चे को इन्वेस्टमेंट बदल जाए, बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा, तो नो डाउट 100% अच्छा रहेगा, बट इस चीज को समझने की कोशिश करिए। सेकेंड, इसके लिए आपको सिर्फ 3 काम करना है, जो बंदे को आप ये बातें बता रहे हो, जो भाई साहब को ये बातें बता रहे हो, जो हमारे प्रिय मित्र को ये बातें बता रहे हो, उसको सेकेंड बात बोलना, सर आपको 3 काम करने हैं, सिर्फ 3 काम। शुरुआत में उसको ज्यादा काम मत बताइए, कितना काम बताइए, 3 काम। सर आप 3 काम अगर करते हो तो आपको खर्चे का इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगा, यानी कि आप जो खर्चा करते हो वो आपको इनकम में आएगा। समझने की कोशिश करिए, आप जो खर्चा करते हो वो इनकम में आएगा, बट आपको सर 3 काम करने। चेंज योर ब्रांड, यानी कि आप जो सामान यूज कर रहे हो सुबह से शाम तक, जो भी आप राम रहीम श्याम कंपनी से लेके आते हो, उस कंपनी से ना लाके आप हमारे कंपनी के प्योर 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, 100% क्वालिटी प्रोडक्ट, 100% रिटर्न पॉलिसी, यानी कि आप प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो आप रिटर्न भी दे सकते हो, ये सारी आपको, और प्रत्येक प्रोडक्ट के अंदर आपको गारंटी, यानी कि प्रत्येक प्रोडक्ट के अंदर आपको जो भी यहाँ की गवर्नमेंट गाइडलाइन या सर्टिफिकेट सारे प्रोडक्ट के अंदर है, ये सारी चीजें उसको उस तरीके से बोलनी है। क्या आप हमारे ब्रांड को चेंज करना चाहेंगे, यानी कि आप जो ब्रांड यूज नहीं कर रहे थे इतने दिन से, अब हमारे ब्रांड को यूज करना है, बट हमारे ब्रांड के अंदर ये क्वालिटी है,
ये है 1 2 3 4 5 जैसे मैंने बताया। ओके, बाकायदा आप प्रूफ दिखा सकते हो, जो भी आपके पास फाइल रहती है, जो भी आपके पास व्यवस्था है फाइल की, या आपके जो भी डॉक्यूमेंट है हमारे कंपनी के, उसमें से कुछ दिखा सकते हो। और ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना हमारा कंपनी के टीवी चैनल है, हमारा ओके लाइफ का ये है वो है ये है वो सब नहीं बोलना है, ये सब नहीं बोलना है बिल्कुल। सिर्फ आप क्वालिटी प्रोडक्ट की बात कर सकते हो सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल। वो भी आपको लगे तो करिएगा, अगर वो आपको नहीं लगे तो नहीं भी करना है। अगर आपको लगता है बंदा होशियार है प्रोडक्ट चेंज करने के लिए बहाना करेगा, वो अच्छे प्रोडक्ट यूज करे, तो आप बोल सकते हैं हमारी भी क्वालिटी प्रोडक्ट है। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, मैं स्पेशली ये चीज को आपको वापस समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कंपनी की सारी बातें बता दी, जो बातें जो कंपनी के जो प्रोफाइल है पूरा एक कहानी बता दी, हमारी कंपनी है हमारी कंपनी है हमारी कंपनी है हमारी कंपनी है, नो नथिंग, ऐसे नहीं बोलना है। बंदे को तीन ही काम करने हैं, तीन ही काम उसको बताने हैं, तो सिंपल और एकदम सीधे तरीके से बताना है, ज्यादा बातें नहीं करनी, समझने की कोशिश करिए। ओके सर, नंबर टू, सर आप हमारे कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको प्रोडक्ट पहले यूज करने अच्छा लगा तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे, यानी कि लोगों को बताना। हम क्या करते हैं, हम दंगल मूवी देख के आते हैं, शाम को आते हैं बोलते हैं दंगल मूवी बहुत मस्त बनी, हाँ या ना। हम एक शॉपिंग मॉल में बाजार करते हैं, उस शॉपिंग मॉल में हमें क्वालिटी अच्छी मिलती है, क्या हम 10 लोगों को बोलते हैं या नहीं? यस एंड नो, यस, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, आप लोग इसको सहमत हो तो आप यस लिख सकते हो। तो हम कपड़े खरीदते हैं शॉपिंग मॉल से तो चर्चा करते हैं, हम कोई मूवी देखते हैं तो चर्चा करते हैं, हम अगर एक सैंडल खरीदते हैं तो भी चर्चा करते हैं, घड़ी खरीदते हैं हमने यहाँ से खरीदी बहुत अच्छे दाम है उस दुकान में, हम चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद आपके नियर डियर वहां जाते हैं खरीदते हैं, क्या आपको वहां से कुछ मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है, मेरा मानना है कुछ नहीं मिलता है। आप चर्चा करते हो, यही चर्चा आपको यहाँ करनी है कि आपने प्रोडक्ट यूज किए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मजा आ गया इसका प्रोडक्ट मेरे को यूज करके, मुझे किसी भाई साहब ने दिया था, मैं इतने दिन से ये ब्रांड यूज कर रहा था, अब मैं ये ब्रांड यूज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट तो लाजवाब है भाई, क्या ये बोलने में शर्म लगेगा आपको? जरा सोचिए, अगर शर्म लगेगा तो फिर आपको दंगल मूवी की बात बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर तो आप कपड़े जो आप खरीदे वो भी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। बहुत सारे बोले, क्या मैं ये तेल साबुन मैंने यूज किया मैं लोगों को बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगी क्या, ऐसे भी सवाल आपके पास आते हैं, और आप ना ऐसे सवाल बहुत सारे लोग माइंड में सोच के रखते हैं। सोचिए जरा, मैं आपको जो चीज समझा, तो आपको जितना प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी के 200 प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं, जो अच्छा लगा 10 अच्छा लगा, 10 के बारे में 5 के बारे में बोलिए, 2 अच्छा लगा 2 के बारे में बोलिए, कोई तो अच्छा लगा होगा। मान लेते 10 प्रोडक्ट खरीदे और 2 अच्छा नहीं लगा, 8 तो अच्छा लगा 2 अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं मत खरीदिए, लेकिन 8 अच्छा लगा 8 के बारे में बोलिए। आपको सब जगह से एक जैसी रिपोर्ट नहीं आएगी, जब आप किसी को पूछेंगे हाँ इसका तेल तो अच्छा था बट इसका साबुन मुझे मजा नहीं आया, ऐसे भी जवाब आएगा। अब आप क्या करोगे, हमारे साबुन में 78% TFM है, हमारे साबुन नीम पुदीना से बना हुआ है, हमारा साबुन ये है, उससे उससे बहस करने लग जाओगे। अरे भाई उसको नहीं समझ में आया, वो कॉम्प्लेशन बार यूज कर रहा है, आपने टॉयलेट साबुन दिया है उसको, तो उसको कहां से पसंद आएगा? आप टॉयलेट साबुन तो टॉयलेट साबुन के जैसे लगेगा ना, और उससे से बहस करोगे फिर तर, अरे भाई कोई बात नहीं, हाँ ठीक है सर मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक दूसरी साबुन दूंगा, कोई बात नहीं सर इसमें आपको पेस्ट कैसा लगा? वो बोलेगा अच्छा लगा, आप उसकी चर्चा करिए। आपको बोलेगा यहाँ पर वोमेन पावर कैसा लगा आपने यूज किया? हाँ बोले यूज किया, तो कैसा लगा? हाँ 2-3 दिन हुआ अच्छा अच्छे अच्छा महसूस कर रही हूँ, और कर तो 5-7 दिन बाद में बात करी। उसको जो प्रोडक्ट अच्छा लगा उस पर चर्चा करिए, जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा उससे बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी आवाज आ रही है? ओके थैंक यू सर। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डीपली में, आज थोड़ा सेशन लंबा जाएगा। सोचिए कि आप उसको किस कला से बोल रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, और साथ में आपके माइंड के अंदर एक सोच होना पड़ेगा। इसके साथ और एक चीज प्लस कर लीजिएगा कि आप पहले तो आप उसको प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हो, तो आपको सोच ये होनी पड़ेगी कि वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसको रिजल्ट कैसा है उसके बारे में बात करूं। आपकी सोच में है कि उसको मुझे सिर्फ पहले प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, वो बोलेगा हाँ मुझे ये अच्छा लगा,
तो सर आप इसके बारे में चर्चा करिए, चर्चा करने का तरीका बताइए। सर आप चर्चा करना चाहेंगे, आप इनका किसको पैसा प्यारा नहीं है, किसको पैसा प्यारा नहीं है, सबको पैसा प्यारा है, सबको, एवरीवन को पैसा प्यारा है। किसी कोई आदमी मुझे बोल दे कि सर पैसा तो मुझे नहीं चाहिए, तो उसको मैं, उसको आप नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए मत बोलिए, आप यूजर बनाइए और एमआरपी में दीजिए, डीपी में भी मत दीजिए, क्योंकि उसको पैसा चाहिए नहीं है। क्या नहीं, गलत बोल रहा हूँ क्या सर? सोचिए जरा, अगर कोई बोल दे मुझे तो नहीं मिला कि सर पैसा नहीं, तो उसको बोले सर हमारे प्रोडक्ट यूज करिए, आपको तो पैसे की दरकार नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई दरकार नहीं, सर हम एकदम मस्त है, मिल सकता है, बड़ी बड़ी सिटियों में मिल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सलमान खान को नेटवर्क मार्केटिंग में ला सकते हो? नहीं ला सकते हैं, बट प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो, हाँ या ना? क्या ऐश्वर्या रॉय को आप नेटवर्क मार्केटिंग में ला सकते हो? पॉसिबल नहीं है, बट प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो। हमारे शीला दीक्षित मैम, जो दिल्ली की जो शीला मैम है, जो मंत्री थी कांग्रेस के टाइम में, वो हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करते थे। मेरे पास एक पोस्ट आया था, उनको वेस्टीज के प्रोडक्ट हमारे अर्पणा देव के एक मैम है वो देते हैं। सोचिए जरा, तो आप हर सेलिब्रिटी को, हर आदमी को आप प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए बना हुआ है, प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो, समझ रहे? और जब जैसे से आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसको बताना है, सर आप अपने फ्रेंड सर्कल, आपके जान पहचान, आप ये काम करिए, आप किनको किनको आप बताना चाहेंगे आप बताइए। अगर थोड़ा समझना तो आप सर मैम एक काम करिएगा, आप थोड़ा सा लिस्ट बना लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि पैसा कमाना है तो थोड़ा आपको उसको सिस्टम सिखाइए हल्का। अचानक उसको ज्यादा भारी काम मत दीजिए, ये सारी बातें नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा भारी काम मत दीजिए, सिंपल और सिंपल तरीका बताना कि आप मैम एक, अगर आप खराब नहीं बताते, एक लिस्ट बनाइए, एक बुक लीजिए और उसमें आप लिखिए नाम, मोबाइल नंबर, जगह, आपके जितने भी रिश्तेदार है, जितने भी फ्रेंड सर्कल, आप लिखिए। और आप एक काम करिए मैम, लिख के मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको अच्छे तरह से बताता हूँ। आप बेसिक सिखाइए उसको, अगर आप बेसिक नहीं सिखाएंगे तो आप बिजनेस में उसको सक्सेस नहीं कर पाएंगे, और वो सक्सेस नहीं होगा तो आप सक्सेस कहां से हो जाएंगे? इम्पॉसिबल। किसी डिक्शनरी के अंदर भी ये लिखा हुआ था, किसी किताब के अंदर, कि इन योर सक्सेस इज लाइज योर सक्सेस। आप लोगों को सफल करने के लिए बने हो तो आपको सक्सेस पहले उसको करना पड़ेगा, तो उससे क्या करना है, सिस्टम सिखाना है। नंबर लिखा, अगर वो आपको भेजने के लिए इच्छुक है भेज सकता है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं अपने पास ही रखूंगी, हो सकता है उनकी पर्सनल आपको देना नहीं चाहे, मत लीजिए, जबरदस्ती मत करिए, मुझे नहीं लगता है ऐसा बोलेगा, बट कभी कभी होता है ऐसा केस भी। तो आप बोले ठीक है मैम रखिए अपने पास, अगर आप मुझे दे सकते हो तो दे दीजिए, ताकि क्या हो, आप उसको बोल सकते हो, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि समझ लीजिए कि एक मीना मैम है और दिल्ली की है, और साइड में उन्होंने लिखा और आपको दिखाई दिया, तो आप पूछे सर ये मीना मैम कौन है, आप वो बोलेंगे मैम है, आपको क्या करते हैं उसके बारे में, फिर उसके बारे में आप बात करके बोलिए कि आप इनको बताइए, रिलेशन उनका, बट आपने उनका थोड़ा ले लिया बाय डाटा, और फिर मैम इस तरह से बोली। अब मीना मैम जॉब कर रही है तो आपको क्या बोलना है, उसको समझाना है, सिंपल बात बननी है। ओके, शेयरिंग का सिस्टम बहुत पार्ट है इसमें, मैं बात करूंगा तो करीबन एक घंटा भी कर सकता हूं, मैं सिंपल आपको समझा रहा हूं। ओके, ये बिजनेस क्या है, सपोर्ट। जब आप शेयरिंग करेंगे उस टाइम आप उसको आपके अपलायंस से मिलाइए और उससे बताइए कि सर आप स्टार्ट कर रहे हो थर्ड काम, हम आपको सपोर्ट करेंगे, मिलके हमारी टीम, हमारे अपलाइन हमें सपोर्ट करेंगे। आप जब काम करोगे आपको एक सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से। इस बिजनेस में सपोर्ट का सिस्टम बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ा, इसकी मैं बड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। समझने की कोशिश करिए, सपोर्टिंग सिस्टम बहुत बड़ा इसमें, जब आप टीम को सपोर्ट करेंगे इस टाइप के, आके अगर पांच चार जन आपने सर्वाद वाला काम करवाया और पांच जन को आपने इस तरह से शेयरिंग कराया, डुप्लीकेट करवाया और उनको आपने सपोर्टिंग काम किया, सर हर टाइम लिमिटेड बात करना है, अनलिमिटेड बातें नहीं करनी है, हर दिन उसको 10 बार फोन नहीं करना है। वो बोलेगा अभी एक हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ, ये तो बंदा मेरे पीछे ही पड़ गया। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड बातें, लिमिटेड तरीके से, लिमिटेड व्यवहार से, मतलब आपको अच्छे व्यवहार से, और बोलना सर आपको हम पूरा सपोर्ट देंगे। फिर आप वो जो नीचे 2-3 लोगों को बताएगा इस टाइप से, उसको भी अब वो बता दिया, समझ लीजिए उसने प्रोडक्ट यूज किया और शेयरिंग कर दिया, प्रोडक्ट यूज किया पहला काम, दूसरा काम शेयरिंग, तीसरा काम सपोर्टिंग। कौन करेगा सपोर्टिंग, वो करेगा या आप करोगे, कौन करेगा बताइए, उसके नीचे वाले बंदे को कौन करेगा?
मैं उत्तम सर को पूछूंगा, सर नीचे वाला बंदे को कौन सपोर्ट करेगा सर बाद में? Oh, definitely, वो जिसने रिक्वेस्ट किया है उसको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, that is the basic thing ना। ऊपर वालों को भी सर करना पड़ेगा ना सर? ओके, ऊपर वाले का साथ में तो कोऑर्डिनेशन रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे आप आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। समझने की कोशिश करिए, सर ने आपको इतना अच्छा बात बताया कि सर अब आपका ऊपर वाला आपको, मतलब आपको भी उससे बात करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको सिखा दिया अब मैं नीचे वाले से बात नहीं करूँ। बंदा नया है, बंदा अभी तक पुराना नहीं हुआ। हमारे स्कूल में अभी एडमिशन किया है, 2-3 महीना हुआ है, अभी वो 2-3 के अंदर है। तो आप उसको मैट्रिक पास कराने के बाद उसके थोड़ा जवाबदारी या जिम्मेदारी दीजिए, यानी कि उसको थोड़ा दायित्व दीजिए। आप शुरुआत में हम क्या करते हैं कुछ और तरीके से, यहाँ बोला जाता है कि दो को सिखाइए, दो को और सिखाइए। अब ठीक है, दो को सिखाइए, उसके नीचे वाले दो को भी आप ही एक बार हैंडल करिए। मेरा ये मानना है, हर आदमी का अलग अलग मानना होता है, मेरा ये मानना है कि उस नीचे वाले को भी दो आप हैंडल कर लीजिए, मतलब लिमिटेड। आप ऐसे नहीं कि ज्यादा, वो बीच वाला आप उनसे ज्यादा कनेक्ट होगा, आप एक सीनियर के हिसाब से कनेक्ट होगे, आप सपोर्टिंग, मतलब आप एक सपोर्ट के पिलर बन रहे हो, साइड से पिलर, ताकि वो आदमी किसी कारण से या किसी बात से या किसी वजह से कोई कारण से डिमोटिवेट ना हो। आप साइड के पिलर बन रहे हो, नंबर 1 पिलर, नंबर 2 पिलर, नंबर 3 पिलर एंड नंबर 4 पिलर। हम क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, हम डेप्थ में जाके काम नहीं करते, ये मेरा मानना है, बाकी लोगों का मानना है तो आप यस लिख सकते हैं। हम डेप्थ तक नहीं काम करते हैं, इसलिए हमारी टीम कुछ समय के बाद कहीं ना कहीं किसी कारण से गड़बड़ हो जाती है। आप समझ लीजिए इस वर्ड को, क्या आपको डेप्थ में, मैं जब वेस्टीज के अंदर था, मेरे एक सीनियर ने एक बात बताई, एरिया मैनेजर, कि जगदीश तुम अपनी टीम में 5% लोगों को कितने जन को जानते हो? अचानक पूछा, ये मेरा लेवल था गोल्ड में और मैं तिनसुकिया के अंदर उनके साथ था 2 दिन। मुझे पूछा, जगदीश तुम 5% के लोगों को कितने जानते हो? हाँ या ना में जवाब देना और क्वांटी करके बताना, हवा में बात मत करना और कोई बात घुराना मत। मैंने बोला, सर 5% के लोगों को, बोला जो अभी तुम्हारे 2 महीना में ज्वाइन हुआ है, पॉइंट को, अभी तुम्हारे 2 महीने के अंदर जो 5% लेवल के लोग हैं उनको कितने जन को जानते हो? मैं बोला, मैं करीबन 2 महीने के अंदर 100 से 150 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, उसमें से मैं करीबन 40 लोगों को जानता हूँ। बोले, रियल में? नाम लिख के बता सकते हो? मैं बोला, नाम लिख के नहीं, मोबाइल नंबर है मेरे मोबाइल में और मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने उनको जोड़ा है। ये काम उनको बताने से पहले मैं कर रहा था, क्योंकि मेरे अप्लाई ने एक बार बताया था शुरुआत में, मैं सिल्वर था, मैं जब मैं डायरेक्टर या सिल्वर था तब मैं काम नहीं, मुझे बताया सर डेप्थ में जाके काम करो, मजा आएगा काम करके, बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंजॉयमेंट लगेगा। और जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डेप्थ में जाके काम कर लिया, मैं बोलता हूं सक्सेस आपके कदमों में होगी, दैट इज रियली स्टोर, रियल, मेरी रियल कहानी है ये। 100% करेक्ट। डेप्थ में जितना ज्यादा काम करेगा इतना बड़ा टीम बिल्ड होगा और वो लोग के लिए भी सपोर्ट सिस्टम होने से ही आगे बढ़ सकता है। आप रियल, मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ सर, ये मैं हर दिन मेरे टीम के कुछ लीडर है, मैं बात करूंगा, पूछिएगा ज्वाइन करने के बाद मैं, और परचेज करने के बाद मैं बोलता हूँ मेरे से मिलाओ। ये बिजनेस क्या है? सपोर्टिंग बिजनेस है। और आप अभी, आप ये भी मैं बता देता हूँ, किसी का 1,00,000 रुपए का चेक है ना, फिर भी ये मत सोचना कि मैं डेप्थ में, मैं बोलता हूँ आप फिर भी काम करो डेप्थ में जाके, मजा आएगा सर, मजा, इंजॉयमेंट मिलेगा सर, रियल बोल रहा हूँ, रियल। यहाँ जितने भी हमारे प्रिय मित्र है, जितना भी लीडर, सभी लीडर है यहाँ, जो भी लोग बैठे हुए, मुझे नहीं पता कितने जन, मैं नहीं देख सक रहा हूँ, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सिस्टम को समझने की कोशिश करिए। और रियल बोल रहा हूं कि आप जिस दिन समझ जाते हैं, आप डेप्थ में जाके काम करिए, उससे प्यार करिए, उस डिस्ट्रीब्यूटर को अपना बेटा मानिए, उस डिस्ट्रीब्यूटर को अपना बेटा से ज्यादा प्यार करिए। और जिस दिन आपने कर लिया, मैं बोलता हूं कोई भी टीम आपकी हिलेगी नहीं, मजबूत फिल बनेगी। जब एक बात समझिएगा, घर में नींव नीचे से रखी जाती है, आपकी ईंटें जितनी मजबूत होगी आपका मंजिल उतना मजबूत होगा, मेरा ये मानना है। अगर ईंटें कमजोर होगी आपकी ऊपर की बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी, आप ऊपर जा ही नहीं सकते हो, बीच बीच में टूटते जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग एज ए बिजनेस, ओनली सपोर्टिंग बिजनेस,
एंड डेप्थ बिजनेस। अरे भैया समझ लीजिए, मान लेते हैं आपके नीचे कि 10,000 का एक बंदा 10,000 रुपया कमा रहा है, ओके, लाइफ केयर से नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप उसके जितने डिस्ट्रीब्यूटर कल परसों जो ज्वाइन हुए उनसे आप कनेक्ट नहीं हो, मैं गारंटी देता हूं, जो लोग पहले से है आप कनेक्ट नहीं हो, गारंटी देता हूं, मैं गारंटी लिख के देता हूं ब्लैंक पेपर में, आप कनेक्ट नहीं हो। अगर कोई है तो मैं उसको नमस्कार, सलूट, थैंक यू, लव यू, और जो लोग नहीं है उनको मैं बोलूंगा लव यू, थैंक यू, बट कृपया आपसे विनती करूंगा आप कनेक्ट हो जाइए। दो तरह के बातें बोली, आप समझने की कोशिश करिए। नहीं है कोई बात नहीं है, आज से अभी से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, नहीं तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो आप सोच के आए हो वह नहीं मिलेगा। सर कृपया आप मेरी बातों को समझ, नए लोगों के लिए ये बिजनेस बहुत बिग प्लेटफॉर्म है। जो भी यहाँ नए लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सिंपल तीन काम करने हैं, पहला यूज, दूसरा शेयर, तीसरा आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट हम आपको देने के लिए तैयार है, आपको जहां लगे वहां हम देने को, तो आप अपलाइन से कनेक्ट रहिए। और एक बात आपसे और एक बात कहना चाहूंगा, जो लोग नए लोग जुड़ते हैं समझ लीजिए कि राम ने रहीम को जोड़ा, तो रहीम को ये पूछने कहा कि रहीम नया आदमी है, नेटवर्क मार्केटिंग अभी सीखा है, रहीम को ये पूछने कहा कि कुछ दिन बाद में, या वो समझ कि रहीम को ये मतलब बताने का कोशिश, अगर उसको पता नहीं है ऊपर तो रहीम को जो ऊपर बैठा है समझ लीजिए वो विनोद है, तो विनोद से कनेक्ट करवाइए, विनोद आपका सीनियर अपलाइन है, राम बीच का है, राम ने रहीम को जोड़ा, तो विनोद को रहीम से कनेक्ट कराने की कोशिश करिए कि हमारे एक सर है आप उनसे भी बात करिए, से कनेक्ट खुद कराइए, या फिर अब उसको क्या पता मेरे ऊपर कौन है, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग से निकल के आएगा तो जरूर बोलेगा कि हमारे आपके सीनियर कौन है उनसे बात कराइए, लेकिन हर आदमी नहीं बोलेगा, तो आपको क्या करना, आपको करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा उस टाइप से। सेकंड, मैं यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, और इस तरह से जैसे यहाँ एक आप डायग्राम देख रहे हो, आप यहाँ हो सपोर्टिंग, आपको तीन खुलता है, इस तरह से एक टीम मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस तरह से एक लेवल मल्टी लेवल मार्केटिंग का बनता है, और इस तरह से एक टीम बनती है, और इस तरह से मिलजुल के एक काम करते हैं। मैं ज्यादा ये सब बातें आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये हमारी एक रिपोर्ट है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग, आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर तो नामो ही नहीं है, नाम भी नहीं है, 1% में आती नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, 1% कहने का मतलब है अभी आपके साथ पूरा खाली पड़ा प्लेटफॉर्म, आप प्लेटफॉर्म खाली है, आप दौड़ लगा लीजिए। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको चाइना सबसे आगे आज के डेट में, अभी 18 या 20 हो गए, 2018 की रिपोर्ट है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 18% लोग चाइना में डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, सक्सेस है वो, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है इंडिया में, इंडिया में बिल्कुल नहीं के बराबर, 1% है, खाली पड़ा मैदान, जितना दौड़ लगाने लगाइए, जितना आप कर सकते करिए, जितना लोगों को बता सकते हैं बताइए, जितना ज्यादा बताएंगे उतना आपका बेनिफिट। एक रिपोर्ट है, इसी तरह से एक आंकड़ा है कि दिन पर दिन बाहर सेलिंग बढ़ती जा रही है, एक ग्रोथ लेवल है, मैं मेन टॉपिक पे बात करूंगा, ये नए लोगों के लिए नहीं है। एक डाटा निकाला गया है, आप समझेंगे हमें क्यों नहीं बता रही, एक डाटा है जहां पर बताया गया कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इतना कंट्री में हो रहा है, इतना आगे बढ़ रही है अलग अलग कंट्रिया, इस तरह से ये सेल पर डिस्ट्रीब्यूटर हाईएस्ट जैसे दिखाया गया अलग अलग जगह पर है। मैं यहाँ जा रहा हूँ बेक, यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे ये 2018 में दिखाया गया 1378 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में हुआ था डायरेक्ट सेलिंग का 2018 में, बहुत कम है, बहुत कम है, 2015, 2016, 2018 में ये टर्नओवर है, बहुत कम है। आपको मैं लेके जा रहा हूँ मेन पॉइंट पे, ये एक देखिएगा, मैं मतलब प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ आज मैं सारी, यह मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, एक किताब है, ये किताब के एक पेज है, वहां लिखा है मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग स्कूलों में कोर्स होने लग गया, ये किताब का पेज है, वहां बताया गया, आप इस किताब को देख सकते हैं, गूगल में भी है, इस टाइप के आपको मिल जाएंगे, या को जहां भी आप पूछेंगे स्कूल के अंदर मिल जाएंगे। एक मिनट, ओके सॉरी, ये देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग की पढ़ाई चालू हो चुकी है स्कूलों के अंदर, 2016 में गाइडलाइन आई और 2017 से पढ़ाई चालू हो चुकी है। ओके, डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स विद्यालयों पे मैं मिली मुझ भी, मतलब डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स करने के लिए उन लोगों को गाइडलाइन में बताया कि आप डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स करवाइए स्कूलों में, उनको बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया, लखनऊ प्राथमिक शिक्षा विभाग बोर्ड के विजयपाल बहादुर ने एक
आंतरिक कोर्स के विद्यालयों में चल आने के लिए मंजूरी दे दी, मतलब उनको गाइडलाइन दे दी कि आप चलाओ कोर्स को, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को बताओ। अब मैं यहाँ एक चीज आपको बताऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट पे लेके आता हूँ आपको कि स्कूलों में पढ़ाई चालू हो गई। क्या होता था 2016 से पहले, पहले हम पढ़ाई करते थे तो हमारे पिताजी बोलते थे, या आपने सुना होगा कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी करनी है। किसी का बिजनेस होता था तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, आपको बिजनेस करना है। स्कूल में जाते थे, हमारे माइंड के अंदर कूट कूट के भर्ती किया हुआ है, कूट कूट के, अरे अच्छे से नहीं पढ़ोगे, देखो तुम्हारे भैया के लड़के ने अच्छे से पढ़ाया, वो इंजीनियरिंग कर लिया, तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ठेला चलाओगे, रोड में घास काटोगे, ऐसा सुना है कि नहीं बचपन में स्कूल में? हाँ या ना, सॉरी स्कूल में नहीं, घर में, आपके घर के गार्जियन। अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं बन पाओगे, और एग्जाम्पल और दिखाएंगे तो बच्चा क्या होगा माइंड के अंदर सोचेगा, अरे यार मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मुझे तो वो काम करना पड़ेगा, घास काटने वाला, ठेला चलाने वाला, फिर मेरे मुझे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, मैं क्या करूंगा। तो थोड़ा वो माइंड के अंदर सोचता है पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, कूट कूट के भर्ती किया हुआ है, पढ़ोगे अच्छे तो नौकरी करोगे, अगर उसके पिताजी नौकरी करे, उसके भाई नौकरी करोगे, देख तो क्या बोलेंगे, पढ़ाई अच्छा करो नौकरी नहीं मिलेगा, अच्छे से पढ़ाई करो नौकरी करना, अच्छे से पढ़ाई करो नौकरी करना, अच्छे से कूट कूट के भर्ती किया हुआ है, कूट कूट के। इसीलिए माइंड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लोग समझते ही नहीं है। अरे ये गलती हमारी नहीं है, क्योंकि आपने एक 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 कहानी सुनाता हूँ आपको, इस माध्यम से कहानी सुनाता हूँ, मैं आपके अपना वीडियो चालू करता हूँ, और इस कहानी के माध्यम से मैं इतने तक अपने ये मीटिंग मेरी थी, और बहुत अच्छा आपने समझा होगा, बट मैं इसके और आगे कुछ पॉइंट है मैं बताता हूँ। ओके, मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, और बहुत मस्त कहानी है, और आपको मजा भी बहुत लगेगा, और रियल, ये रियल कहानी है, ये रियल स्टोरी, रियल कहानी, बनाई हुई नहीं। सभी लोग हाथी एलिफेंट जानते हैं अच्छी तरह से। हाथी के बच्चे को, जब वो बच्चा जंगल के अंदर, उसकी माँ क्या करती है, हाथी को एक पेड़ के बड़ी बड़ी सांकलों से बांधा जाता है। यस एंड नो? यस यस एंड नो? यस यस। बड़ी बड़ी सांकलों से बांधा जाता है और पेड़ में बांध के रखते हैं कई दिनों तक, कई कई वर्षों तक, और जब भी वो हाथी इतना बल है कि वो कोशिश करता है तोड़ने की, पर बार बार छोड़ने की, निकलने की, बट नहीं होता है। वो जैसे कोशिश करता है सांकल को रोक, मतलब बंधे हुए चीज को रोक लेती है, और उसके माइंड में एक चीज आ जाती है, क्या आती है कि मैं यहां से कभी निकल नहीं सकता हूं, मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता हूं, मैं इस लोहे की संकल को तोड़ नहीं सकता हूं। उसके माइंड में ये थॉट बनते रहता है, बनते रहता है, बनते रहता है, बनते रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके बाद उस हाथी से उसके माइंड में ये थॉट है, ये विचार है, सोचिए जरा, जैसे बड़ा होता है तो उस हाथी को जंगल में बड़े बड़े कुंदे होते हैं जो उससे यूज कर, उससे मतलब काम करवाए जाते हैं, बड़े बड़े मतलब जो पहाड़ में कुंदे होते हैं उससे काम कराए जाते हैं, बड़े बड़े जो मतलब कोई भी काम होता है उस हाथी से कराया जाता है, और वो हाथी रोड पे भी आता है, लेकिन उसकी मेंटेलिटी क्या है, मेंटेलिटी है कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूं, उसकी मेंटेलिटी में ये फिट है। यस एंड नो? होता है ना, गांव के अंदर, खेतों के अंदर, आप जंगलों के अंदर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जंगलों के अंदर आप देखेंगे तो ये रियल स्टोरी है। मतलब बचपन से उसको एक ही चीज सिखाई जाती है कि भाई तू नहीं सकेगा तू, लेकिन वो बहुत बलवान है। समझने की कोशिश करिए, पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है के बाद में तो खुला छोड़ा जाता है, कोई उसके नहीं है, और बड़ा बड़ा वो बड़े बड़े जो पहाड़ के कुंदे होते हैं, लकड़ी होती है, वो एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं, काम कराया जाता है उससे। हम बचपन में हमारे माइंड के थॉट में एक चीज डाल दी जाती है। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से था, मेरे माइंड में थी व्यापार, मेरे पिताजी ने किया, मेरे सब ने किया, मैं व्यापार करता था, मुझे पता था व्यापार करना, पैसा कमाना, इतना पता, और मैं अपने आप को बिजनेसमैन मानता था। बिजनेसमैन कौन है आपको बताया, पता चल गया होगा अभी, बाटा, टाटा, बिरला, अंबानी ग्रुप, और या फिर कोई अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग वाला, हम सब बिजनेसमैन है। अच्छा बोले तो हम बिजनेसमैन है, यस और नो? हम सब बिजनेसमैन है, हम यहाँ बैठ के ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूटरों को जोड़ सकते हैं, गारंटी है मेरा ये, हम बिजनेसमैन है। बट हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने का। आप बिजनेसमैन जिस दिन आप फार्म साइन करते हो,
नेटवर्क मार्केटिंग एज ए करियर के हिसाब से, उस दिन आप बिजनेस मैन बनते हो। बिजनेस और बिजनेस मैन दोनों के अंदर अंतर है, समझने की कोशिश करिए मेरे प्रिय मित्र। बिजनेस और बिजनेस मैन, ये फिलोसफी मुझे समझ में आया 2017 के अंदर कि बिजनेस और बिजनेस मैन दोनों अलग अलग चीज है। मैं अपने आप को बिजनेस मैन समझ, लेकिन बिजनेस नहीं, हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या है, दुकान खोलते हैं, सामान बेचते हैं, हम एक आखिर में नौकरी ही कर रहे हैं, समझ लीजिए वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अपना अपना बिजनेस है, बट काम तो करना ही। और बिजनेसमैन क्या करता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल तरीके से, मल्टी लेवल मतलब बार कुछ मतलब बड़ा काम करना है और मल्टी लेवल तरीके से करना है। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है जैसे हम आज करोड़ों अरबों रुपया लगा के एक फैक्ट्री खोले और हम अलग तरीके से हर आदमी तो क्या उपाय है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जरूरी है और करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। अभी तो ये सिचुएशन है, आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। किसी बंदे ने एक बात बोली, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा बिजनेस है और मैंने किया था 4 साल पहले, करीबन मैंने 1,00,000 रुपया महीना कमाया था और 2017 में छोड़ दिया सर। देखा अचानक मेरा चेक डाउन हो गया कई कारणों से और उसके बाद मैंने पॉसिबल नहीं हुआ और मुझे पता है यहाँ पैसा है बट सर बहुत मेहनत है, पॉसिबल नहीं है, बहुत मेहनत है सर, चेक अप डाउन हो जाते हैं, कंपनी वो मैं जिस कंपनी में करा था कंपनी बंद हो गई। फिर मैंने बोला सर आप कभी ट्राई नहीं किया, और नहीं सर और कभी ट्राई नहीं किया, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग को उस टाइम से मैं लाइक भी नहीं करता हूँ। तो मैंने उनको मेरे से जो बात हुई वो मैं बता रहा हूँ, करीबन आज से 15 दिन पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर से। तो मैं बोला सर जब आप कर रहे थे इस काम को तो आपका जुनून कैसा था, तो उन्होंने बोला मेरा जुनून बहुत अच्छा था, मेरे वीडियो है, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ आप देखो। मैंने एक दो वीडियो देखे, बड़ा जुनून था, बहुत मेहनत से काम कर रहा था, उसके माइंड के थॉट के अंदर ओनली नेटवर्क मार्केटिंग और लोगों को सक्सेस करना। और जब वो 1,00,000 रुपए का चेक बनाया तो नो डाउट मेहनत तो की है। तो मैंने बोला सर आपका ये जो जुनून है, ये पैशन था, ये पैशन अभी है? बोले नहीं, अचानक हम काम को बंद कर देंगे, अचानक हम डीमोटिवेट हो जाएंगे किसी कारण से, कंपनी चलेगी या किसी कारण से, और धीरे धीरे हम क्या हो गए, पीछे हो जाएंगे, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग वापस से करना होगा, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैंने उसको समझाया सिखाया, आज से करीबन 15 दिन पहले की बात है, लॉकडाउन के भीतर मेरी बात हो रही है, और वो बंदा है हनुमानगढ़ का, राजस्थान के अंदर, मेरे फेसबुक से जानते चले, सोचिए जरा। और अभी मैं उसको इतना समझाते समझाते उनको एक दो वीडियो भेजते भेजते उनको मैं वापस उस फील्ड में लेके आ रहा हूँ। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हुए रहते होंगे और अचानक एक बार आपने 10 साल प्रैक्टिस की, अचानक 1 साल बंद कर दोगे या 2 साल बंद कर दोगे, तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएगी, और आप धीरे धीरे एक अलग फील्ड पे चले जाओगे, अलग विचार के। ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है, सब लोगों के साथ नहीं होता है, कई लोगों के साथ होता है। और फिर उसको उस फील्ड में लेके आने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अलग तरीके की बातें करनी पड़ेगी। और मैं प्रयास बहुत ज्यादा करता हूँ, लोगों के साथ अटैचमेंट होना बहुत पसंद करता हूँ, लोगों की भावनाओं को समझने की बात करता हूँ, लोग क्या फीलिंग करते हैं उसको मैं समझ के उससे बात करता हूँ, लोगों के साथ में अटैचमेंट होना, लोगों के फीलिंग को समझना, लोगों के विचारों को समझना, लोगों के साथ एक कनेक्शन जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको ये काम करना पड़ेगा, अगर सिंपल तरीके से करिए, आपके साथ जो जुड़ते हैं, जो लोग आपके साथ आते हैं, नए लोग, उनके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाइए कि आपको वो आपके भाई, आपके माता पिता से भी ज्यादा माने। ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस एक दूसरों की हेल्प करने का है सर, ये बिजनेस एक दूसरों की हेल्प करने का। तो हेल्प का मीनिंग क्या है, हेल्प का मीनिंग है दूसरों को हेल्प करना है, यानी कि उसको अपने तरफ से जितना हो सकता है सहायता करना है, जितना हो सकता है काम उसको हेल्प करना है, जितना दिल से, यहाँ से, हार्ट से परचेज कर रहा है तो भी, सामान रख रहा है तो भी, अगर वो समझ लीजिए एक बार खरीदारी किया और दोबारा नहीं किया कोई कारण से, फिर भी उससे व्यवहार बनाइए। ऐसा नहीं है, आप एक बात बताइए, आपने एक दुकान खोला या आप कोई एक अच्छी दुकान खोली, आपके पास एक कस्टमर एक बार आया और एक बार सामान लेके गया और
दोबारा वो कभी लिया नहीं, आपके पास नंबर है, कभी आप दूसरी बार याद करते हो? अच्छा दुकानदार होगा तो करता है, और बहुत सारे ऐसे दुकानदार है ऐसे बोलता है बहुत आने वाले बहुत जाने वाले, यहाँ तो 10,000 आते, किसको किसको याद करेंगे वो दुकान। कुछ दुकानदार ऐसे होते, कुछ दुकानदार अपने गुडविल बनाने के लिए उसको वो करते याद करते। अब आपको सोचना है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में उस कस्टमर को याद करना है, आपको अपनी गुडविल बनानी है, आपको सक्सेस करना है, आपको अपने आप को सक्सेस होना और उसको भी करवाना है, तो आपको याद करना, आपको उसके साथ अटैचमेंट होना पड़ेगा, आपको उसके साथ बातें करनी पड़ेगी, आपको उसके साथ व्यवहार बनाना पड़ेगा, आपको उसके साथ अपने बेटे जैसा प्यार करना। आपका कस्टमर था, एक बार आपने खरीदारी की थी, वो बोलेगा नहीं मुझे प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे मैं नहीं करूंगा, तो आपके उसको बताइए कि ठीक है इसमें से अच्छा कौन सा लगा, बोले नहीं सर सारे ही अच्छे नहीं लगे मुझे करना ही नहीं, सर कोई बात नहीं है इस बार आपको अच्छे लगे कभी मेरे पास अच्छे प्रोडक्ट और भी प्रोडक्ट आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं कॉल करता हूँ और आपको याद करूंगा सर, और आपसे बहस मत करिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, यस यस यस, ओके थैंक यू, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं दे। तो आप उससे व्यवहार बनाइए, उससे रिलेशन बनाइए, उससे अटैचमेंट बनाइए, और उस कस्टमर को ठीक है कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं आज आपको अच्छा नहीं लगा फिर बात करें। बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हैं, मैं एक दिन में साथ ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, और मैं बोलता हूँ आप हर दिन 10-15 मिनट ज्यादा नहीं, आपको 20-25 मिनट YouTube के अंदर अच्छे वीडियो देखने जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बने हुए, किताब अगर कोशिश करें तो पढ़ी हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर। आप यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करिए, इस बिजनेस को जिसने आपको ये बिजनेस दी, आपको जो आदमी इस बिजनेस में लेके आया, जैसे मैं मेरे को इस बिजनेस में मेरे क्लाइंट लोकेश जी राठी लेके आए थे, तो वो उस आदमी का रोल बहुत बड़ा होता है ये मान। आज हो सकता है आपके साथ अटैचमेंट नहीं है, हो सकता है कोई कारण से नहीं, लेकिन उसको दिल से आप उसको थैंक यू बोलिए, उसको दुआ दीजिए क्योंकि वो आपको इस बिजनेस में लेके आया, बाद में आपके यहाँ अटैचमेंट एक्टिव अपलाइन आपके साथ अटैचमेंट हो गए, लेकिन आपको इस बिजनेस को दिखाया किसने था उसको आप याद करिए, दिल से याद करिए यहाँ से कि हाँ यार उसके बिजनेस तो उसने दिखाया था। आज आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस है या नहीं है, फिर भी दिखाया जिसने था, जिसने आपको रास्ता पकड़ाया था, उसको थैंकफुल दिल से करिए और फोन करिए। कोई कारण से अगर बात नहीं बन रही है, रिश्ते खत्म हो गए, तो आज आपको एक अच्छी चीजें बता के इस सेशन को मैं समाप्त यानी कि विदा लेने चाहूंगा आप लोगों से। जिस बंदे ने आपको इस बिजनेस में लेके आया, कोई कारण से आपका कोई रिलेशन नहीं है, कोई कारण से भूल जाइए, माइंड हल्का हो जाएगा, दिल से फोन करिए सर थैंक यू आपने बिजनेस में लाया, आज मेरे किसी गुरु ने मुझे बताया था इसलिए मैंने आपको फोन किया, सारी बातों को भूल के मैं आपसे कोई अगर मन मुटाव तो मत रखिएगा और मैं आपको फोन करता हूँ। आप हल्का हो जाओगे, रियल बोल रहा हूँ, और सामने वाला आपके कोई मन में अगर किंतु प्रत्यय भी फिर भी वो ना ही करे, बोले ठीक है सॉरी बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो भी आपका है अगर है तो, और अगर थोड़ा भी कमजोर रिश्ता है तो उसको मजबूत बनाए, आपसे ये विनती। थैंक यू सो मच, मेरी बातें आपको समझ में आई होगी अच्छी तरह से, जाने अनजाने में मेरे कोई वर्ड मेरे सब आपको अच्छे नहीं लगोगे तो आप लोग से तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you for watching.